मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ॐ मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामयम् नमामि चिन्मयम् देवम् सद्गुरुम् ब्रह्म विद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम सभी का स्वागत करते हैं इस तत्व बोध के नेक्स्ट सेशन में, यानी दूसरे सेशन में। लास्ट टाइम जो हमने चर्चा की थी उसका छोटा सा रिकैप कर ले। तो पहले शुरुआत तो हमने की थी बहुत सुंदर ऐसे छोटे से कहानी से, और वो कहानी थी चीनी चींटी और नमक चींटी। तो क्या हुआ उस कहानी में? कहानी में ये हुआ कि जब वो नमक चींटी ने सारे नमक के दानों को बाहर निकाला, और उसके बाद में जब वो चीनी का दाना उसने अपने मुंह में डाला और उसका जो स्वाद उसको मिला, तो बस वो आनंद मगन हो गए। तो वैसे ही हम सबको ध्यान में आना है कि हम सबको वो आनंद की प्राप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन देखो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत जरूरी होता है ना? तो आप बोलेंगे यस। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत जरूरी है, और जो पाना है वो हम सबके लिए हाउ मच इट इज एसेंशियल। देखो मैंने क्या सवाल पूछा है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है, वो चीज को पाना उतना हम सही एफर्ट्स कर सकेंगे, उतने ज्यादा हम बहुत बढ़िया ऐसे कार्य कर सकेंगे, जब कि हम अपने उस लक्ष्य को पूरी तरह से समझ जाएं। तो ऐसा है ये आनंद का प्राप्त होना। कुछ भी चीज को प्राप्त करना है तो कुछ खोना जरूर पड़ता है मेरे साथियों। क्या करें, ये संसार की जो रूल है, ये विश्व की जो रूल है, उस रूल को ही तत्व कहते हैं, और उस तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। बस उसको जान करके उसको फॉलो करना होता है। तो ये हमने पहले देखा था चीनी चींटी वाला वो उदाहरण, यानी उस छोटी सी कहानी। उसके बाद में हमने आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, उनके जीवन के बारे में थोड़ा देखा था।
और फिर हमने देखा कि कैसे छोटे से आयु में उन्होंने सारी चीजों को कितना सुंदर ग्रहण किया और सारे जहां में वेदांत को कैसे सुंदर तरीके से फिर से रीएस्टैब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा था कि शुरुआत में हमने जैसे फर्स्ट मंगलाचरण श्लोक पढ़ा था, वो आज भी हम पढ़ने वाले हैं, तो लेट अस स्टार्ट। मैं पढ़ता हूं, आप उसको दोहराने का प्रयत्न करें। वासुदेवेन्द्र योगिंद्रम, वासुदेवेन्द्र योगिंद्रम, नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय, मुमुक्षूणां हितार्थाय, तत्वबोधोऽभिधीयते, तत्वबोधोऽभिधीयते। मंगलाचरण श्लोक, जहां हमारे आदिशंकराचार्य भगवान पहले तो भगवान जो सबके गुरु है उनको प्रणाम करते हैं, वासुदेव। और वो कौन है? तो सारे योगियों में योगेश्वर है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और गुरु कैसे? ज्ञान प्रदम गुरु, तो ये गुरु भी ज्ञान तत्व ही है और ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और शंकराचार्य जी के गुरु जो गोविंद पादचार्य जी थे, गोविंद ये भगवान वासुदेव जी का ही नाम है, तो उन्होंने वैसे ही भगवान रूपी गुरु को याद करके प्रणाम कर दिया जो ज्ञान स्वरूप है। और कहते हैं कि अभी ये जो मैं करने जा रहा हूं कार्य, वो किसके लिए? मुमुक्षुणाम हितार्थाय, मुमुक्षु के हित के लिए ये कार्य मैं कर रहा हूं। और तत्व बोधो विधीयते, तत्व बोध का मैं पूरी तरह से अभी सुंदर वर्णन करने की यहां चेष्टा कर रहा हूं, यहां मैं पूरी तरह से तैयारी कर रहा हूं। तो हमने देखा था तत्व और बोध। तत्व यानी इसेंस, तत्व यानी वो सत्य वस्तु, और बोध यानी ज्ञान। तो कौन सा तत्व क्या है? आत्म तत्व। और ज्ञान किसका? तो आत्म तत्व का ज्ञान। तो तत्व बोध यानी आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान पाने से हमारे उस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। तो ये हो गया। और लास्ट टाइम मुमुक्षु हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो आज करने वाले हैं। तो अभी देखिए शुरुआत ये मुमुक्षु से ही करते हैं। अभी देखिए ना, मुमुक्षु यानी, पहले तो मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूं शास्त्र में कैसे बोलते हैं। तो बोले मोक्षस्य इच्छा इति मुमुक्षा। तो जिस व्यक्ति को मोक्ष पाने की इच्छा है वो मुमुक्षा होती है, यानी वो मुमुक्षुत्व होता है। अभी कभी कभी लगता है ओहो ये मोक्ष वगैरह ना ये बड़ा डिफिकल्ट चीज है और ये सन्यासी वगैरह लोगों के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, समझना, अगर हम उसको एक सहजता से उसको समझ गए तो सब लोगों को पता चलेगा हम सब लोग मुमुक्षु है। स्वामी जी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम क्लियर अबाउट इट, कि मैं जो बोल रहा हूं ना मेरे मन में उस चीज की बड़ी क्लैरिटी है। तो ये क्या चीज है? देखो, मुमुक्षु यानी यहां बोला गया है मोक्ष की इच्छा। अभी तो पहले मोक्ष क्या है, तो उसको कहते हैं मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम। देखो मुक्ति, तो पहले पूछो किस चीज से मुक्ति। आहा, तो ये सुंदर सब्जेक्ट है। तो मुक्ति यानी कोई बंधन है तो वहां से हमको मुक्त होना है, ऐसा ही सिंपल उसका अर्थ हुआ। स्वतंत्र यानी कहीं तो परतंत्रता है, वहां से हमको पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। फ्रीडम यानी पूरा स्वतंत्रता। इनकम्प्लीटनेस, ये भी एक क्या होता है? पारतंत्र होता है। तो उससे कंप्लीट होना है तो क्या होता है? ये भी एक सुंदर ऐसा बहुत बड़ा बढ़िया सा फीलिंग है,
what it is to be absolutely complete. एक व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण यानी पूर्ण समझे, तो ये सारी चीजें छोटे से इस मुक्ति के बारे में हमने सोची। अभी देखिए, मैंने कहा कि वी ऑल आर मुमुक्षुस। हाउ इज इट सो? हम सब हमारे मन में, जैसे पिछली बार हमने कहा था कि सब लोग एक कड़ी में लगे हुए हैं। वो कड़ी क्या है? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। तो आपने इसमें सोचा होगा कि हाँ, बचपन से लेकर हमको इतना ज्यादा दबाव था कि भैया बनो बनो, क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हर कोई हमारे पीछे लगा हुआ था कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। और फिर हमने भी अनेकों ऐसे मन में नोशंस तैयार कर लिए, हमने अपने मन में ऐसे अनेकों धारणा तैयार कर ली कि हाँ, मुझे वो बनना है, ये बनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी देखिए, ये मुक्ति क्या है? सिंपल चीज कि जो चीज से आज मैं अपने आप को कैसे समझ रहा हूं कि मैं लिमिटेड हूं। देखो, लिमिटेड यानी क्या है कि जब मैं कुछ करता हूं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए दो तीन उदाहरण लेते। जब भी हम कुछ करते हैं, जैसे समझो एक उदाहरण लेते हैं कि लेट अस वी प्लान फॉर वॉचिंग अ मूवी। सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि मूवी सबको, मोस्ट ऑफ द लोगों को अच्छी लगती है, तो लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल कि अगर हमने प्लान किया कि एक मूवी को देखना है, और फिर बढ़िया से प्लान हुआ, बढ़िया से हम थिएटर में गए, स्वामी जी इट्स अ लॉकडाउन कंडीशन, बट नाउ यू नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट कॉल एज गवर्नमेंट ऑर्डर दैट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू ओपन अप, ओके। तो समझो हमने प्लान किया कि थिएटर में जाके मूवी देखना है, और हम लोग गए, मूवी देखा, तो मूवी देखा, अच्छा मूवी देखा जो कि बढ़िया से एंटरटेनिंग है, और उससे हमको आनंद मिला। अभी आप देख रहे हैं हाँ, तो जब मूवी देखा, आनंद मिला, तो मैं अभी एक सवाल पूछ सकता हूं, आप जरा गौर करिएगा कि ये जो आनंद मिला मूवी देख करके, क्या ये परिपूर्ण ऐसा आनंद है? सोचिएगा, क्या ये कंप्लीट ऐसा आनंद है? तो हम और आप जानेंगे, थोड़ा सा हमने विचार किया तो समझ में आएगा, नहीं, ये परिपूर्ण ऐसा आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि, ध्यान देना, क्योंकि जो चीज से ये आनंद मिला है वही चीज परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उससे मिलने वाला जो आनंद है वो भी सीमित है, वो भी सीमित है। इसलिए हमको ध्यान में रहना है कि ये जो हमको अ सॉर्ट ऑफ ग्लिम्स मिलते हैं जीवन में, ग्लिम्स यानी थोड़े थोड़े क्षण मिलते हैं आनंद के, वो है पर वो परिपूर्ण नहीं है। तो हम सब लोगों को चाहत है कि लेट अस हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट ब्लिस। हम सब लोगों को चाहत है कि हमें वो आनंद मिल जाए जो परिपूर्ण है। बस ये जो इच्छा है हम सब की कि हमको वो आनंद मिल जाए जो परिपूर्ण है, यही बस कहलाती है मुमुक्षा, मुमुक्षा। तो क्योंकि परिपूर्ण आनंद ही संपूर्णतः स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, मुक्ति है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये हम सब के मन में एक सिर्फ और सिर्फ विचार है, और वो नोशन है कि आज, ओहो, आज ये परिपूर्ण ज्ञान या परिपूर्ण आनंद से मैं परिपूर्ण नहीं हूं। ये क्या है? पहले नहीं बुझा रहा हूं, मैं इस परिपूर्ण आनंद से परिपूर्ण नहीं हूं, बस एक ही विचार ही है, और धीरे धीरे ये इस विचार को हम खोलने वाले हैं,
खुलने वाला है ये विचार हमारे इस तत्व बोध के चलते चलते यानी प्रवास में। तो मैंने आपको मुमुक्षु इस शब्द का अर्थ बताने की कोशिश की, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। आगे चलते हैं कि देखिए कोई भी चीज को अगर एक्सप्लेन करना है तो उसका एक वे होता है, देयर इज अ वे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना। जैसे मैथ्स का अगर एक्सप्लेनेशन करना है तो उसके फॉर्मूला होते हैं और वो फॉर्मूला से उसको एक्सप्लेन किया जाता है हाउ टू कम टू द कंक्लूजन कॉल्ड एज आंसर, राइट। फिर दूसरा अभी देखते हैं केमिस्ट्री में भी वो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं कि जिस केमिकल फॉर्मूला से हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स सब्सटेंस रादर। तो आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारे पास अभी कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से हम उस चीज को पाने वाले हैं। आह, अभी मैं आपको बोलूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे शास्त्र में यानी स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, ये हमारे जिंदगी में कहीं भी फिट बैठता है, कोई भी कार्य करते वक्त हम सबने इसको ध्यान रखना है। और अगर हमने उसको ध्यान रखा तो हम बहुत बड़ी बड़ी कार्य कर सकते हैं, हम इस दुनिया में मिरेकल्स तक कर सकते हैं। स्वामी जी पहलिया मत बुझाइए, बोलिए ना वो क्या है, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। ये तो टेक्निकल वर्ड है, अनुबंध चतुष्टय, यानी चार ऐसे स्टेप्स हैं, फोर स्टेप्स, चार सोपान, जिसकी वजह से हम उस चीज को जानने वाले हैं जिसको कहते हैं तत्व, जिसको कहते हैं तत्व, तत्व यानी इसेज, तत्व यानी सत्य, तत्व यानी आत्म। ऐसे उसको जानने के लिए जो सुंदर ऐसी पकडंडी है, छोटी सी लैंग्वेज में या क्या कहते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि वो कौन सी है कि जिसमें फोर स्टेप्स है, तो वो फोर स्टेप आज हम देखने वाले। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप अधिकारी। बोले अधिकारी यानी क्या, तो क्वालिफाइड पर्सन। तो जैसे पहला जो स्टेप है वो है अधिकारी। अभी देखो कि इस पूरे संसार में ये हम सबको पता है कि अधिकारित्व जो है वो बहुत जरूरी है, अधिकारित्व। जैसे समझो आपको कॉलेज में एडमिशन पानी है तो आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना इंडिया में बहुत जरूरी है, एक ये हो गया क्वालिफिकेशन। फिर आजकल सब तरफ एंट्रेंस टेस्ट चलती है, यानी क्वालिफाइंग एग्जाम चलती है सब। तो आजकल तो हम देख ही रहे कि जेईई की क्या चल रहा है, फिर वो नेट का क्या चल रहा है, सब तरफ थोड़ा सा क्वास चल रहा है ये टेस्ट के बारे में। तो क्वालिफाइंग टेस्ट क्यों, अगर आप क्वालिफाई करते हो अच्छे मार्क्स से तो आपको बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलने वाली। तो ये हो गया क्वालिफाइंग टेस्ट। जैसे और एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर किसी को डॉक्टर बनना है और उसने सारे इयर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज के सब कर लिए, उसके बाद में होती है एंट्रेंसशिप, और उसने एंट्रेंसशिप की नहीं तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं माना जाता है, उसको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर क्या है, इतनी बड़ी पढ़ाई करके भी फिर जाकर के एक साल फिर से आपको किसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा सीनियर डॉक्टर के साथ, तब जाकर के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड देन यू विल बी क्वालिफाइड। देखो क्या हो गया, ये क्वालिफिकेशन। तो हम सबको जानना जरूरी है के अधिकारित्व होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। अभी मैं आपको व्यवहारिक जगत की बात बताता हूं। अगर आपको मैराथन रेस में, दिल्ली में तो बहुत सारे मैराथन होते रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हाफ मैराथन वगैरह वगैरह, तो
अभी देखिए, अगर हमको मैराथन में या कोई भी रेस में भाग लेना है तो जरूरी है कि हमारी सेहत बहुत अच्छी होनी जरूरी है, हमारे अंदर स्टैमिना बहुत होना जरूरी है, तभी जाकर हम मैराथन, हाफ मैराथन, फुल मैराथन में हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि मैराथन 42 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर होती है। तो एट दिस रेट 21 किलोमीटर दौड़ना या 42 किलोमीटर दौड़ना, ये कोई जोक तो है नहीं। पर देखो ना, धीरे धीरे रोज रोज अगर हम अभ्यास करें दौड़ने का, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम भी दौड़ने में माहिर हो जाते हैं, तो वी आर देन क्वालिफाइड। तो यह है अधिकारित्व, ध्यान में आ गया जी। तो जो भी चीज, जैसे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए भी अधिकारित्व जरूरी है। तो बोले उसके लिए अधिकारित्व नहीं है तो फिर बिजनेस में फेल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो अभी मैंने एक सब्जेक्ट को, यानी एक चीज को समझा दिया, अधिकारित्व क्या चीज है, और अधिकारित्व होना बहुत जरूरी है। यह पहली स्टेप, पहला सोपान, पहली सीढ़ी। अभी दूसरी सीढ़ी, विषय। विषय यानी सब्जेक्ट। तो जो चीज हम करना चाहते हैं उस विषय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर जानकारी नहीं है तो फिर ओहो, कोई भी चीज को करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे हमको अगर उस तत्व को पाना है, तत्व को पाना है, तो हमारे पास विषय क्या है? तो बोले तत्व बोध ही हमारा विषय है, तत्व का ज्ञान ही हमारा विषय है। यानी वो तत्व है आत्म तत्व, उसका ज्ञान यानी आत्म ज्ञान ही हमारा विषय है। देखो, तो वैसे ही विषय को समझना बहुत जरूरी है, विषय को समझना बहुत जरूरी है। अभी विषय को समझने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। देखो ना, आज जो भी हम हैं और जहां भी हम हैं, उसके पीछे कितने सारे लोग यानी कितने सारे टीचर्स इन्वॉल्व है। तो KG 1 से लेकर के, तो हमारे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाट जो भी आपने किया होगा, वहां तक हम पहुंचने के लिए कितने कितने टीचर्स ने हमको सहायता की है, देखिए जी। और पहले तो टीचर होते हैं हमारे माता पिता। हमारे माता पिता ने हमको ये भाषा समझाने में कितना प्रयत्न किया है। तो ऐसे हमारे पीछे बहुत ऐसे टीचर का आशीर्वाद है ताकि हम यहां तक पहुंच सके। वैसे ही ये जो विषय है आत्म ज्ञान, इस आत्म ज्ञान को समझने के लिए भी टीचर की जरूरी है। और उस टीचर को अपने इस शास्त्रीय भाषा में गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। के जो, अभी गुरु की डेफिनेशन सिंपल है, देखो, कि जो अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लाए, ऐसा जो भी है वह गुरु। अंधकार रूपी इस अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में लाए, और वो है गुरु। तो विषय है तत्व बोध, और उसको जानने के लिए हमारे पास तो गुरु होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे गुरु के सानिध्य से हम उस विषय को पा सकते हैं। क्यों पाना है भला? प्रयोजनम किम? तो लास्ट सेशन में हमने कहा था प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तति, कि अगर कोई उद्देश्य नहीं है कुछ चीज को पाने का, तो बुद्धू में से बुद्धू आदमी भी कोई भी कार्य करने में आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रयोजनम किम? तो प्रयोजनम इज टू हैव अ कंप्लीट कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ दैट ब्लिस, यानी अपने आप को उस आनंद का परिपूर्ण ऐसा अनुभव करने के लिए हम इस विषय को जानना चाहते हैं।
और इसी को हमने वहां कहा था मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी मोक्षस्य, जिसको इच्छा है, मोक्ष की इच्छा यानी मुक्ति। मुक्ति यानी क्या, आपने सोचा कि पूरी तरह से जो लिमिटेडनेस है, जो सीमित हमारा आनंद का एक्सपीरियंस है, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको परिपूर्णता से अनुभव करने के लिए हम इस कार्य को करने वाले हैं। तो यही प्रयोजन है हमारा। क्या प्रयोजन है? तो संपूर्ण आनंद को अनुभव करना, टू फील कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड दैट्स द प्रयोजन। वही हमारा उद्देश्य है इस तत्व बोध के पढ़ाई के पीछे। और आखिरी है, उसको कहते हैं संबंध। तो संबंध क्या है? देखो, संबंध है कि कौन सी चीज को पाना है और उस पाने के लिए साधन क्या है। तो एक है साध्य और एक है साधन। जैसे सिंपल इसमें समझाया जाए कि अगर दिल्ली से बंबई जाना है तो साधन क्या है, तो बोले साधन ट्रेन हो सकती है, साधन फ्लाइट हो सकती है, तो ये हो गया साधन। और साध्य क्या है, बोले दिल्ली से आज जहां है तो बंबई जाना है, तो साध्य क्या है, बंबई। और साधन क्या है, ट्रेन या फ्लाइट, दो चीजें हो गई। तो यहां साध्य क्या है हमारे लिए, तो वो परिपूर्ण ऐसा एक्सपीरियंस, वो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति। और उसके लिए साधन क्या है जी, तो बोले तत्व बोध ये साधन है। तो अधिकारी, जब जो अधिकारी है, जब वो विषय को समझ जाएगा विथ राइट प्रयोजनम यानी विथ राइट उद्देश्य, तो उसका जो संबंध है, उसका जो प्रयोजन है, वो सफल हो जाएगा, पूरी तरह से वो सफल हो जाएगा। माय गॉड, फोर स्टेप, नाउ यू अप्लाई इट एनीवेयर। एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज देयर, एक विद्यार्थी है, और उस विद्यार्थी को अगर कुछ पाना है, तो पहले क्या है, उस विद्यार्थी को क्वालिफाइड स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए ना कि अगर वो विद्यार्थी क्वालिफाइड अगर नहीं है, तो फिर उसको वो चीज पाना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो व्हाट इज अ क्वालिफाइड स्टूडेंट? दैट स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड एंड हैव अ राइट सॉर्ट ऑफ टारगेट इन हिज लाइफ, right sort of target in his life and ready to do hard work for achieving the target. तो ये student जो है वो qualified student है। अभी विषय क्या है? जो भी field में वो है, वो उसका विषय है। और प्रयोजन क्या है? उस चीज को पूरी तरह से पाना, ये प्रयोजन है। और संबंध क्या है? तो साध्य को पाने के लिए साधन से उसको पाया जाता है, ये संबंध हो गया। तो आप बोलिएगी जी कि इस चार स्टेप्स को अगर आप अपने जीवन के कोई भी फील्ड में लगा दे, तो आपको पता चलेगा कि सफलता तो मिलने ही वाली है। तो ये चार जो स्टेप्स है, ये सफलता का हमको रहस्य बता रहे हैं। वॉट एवर वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। Let us prepare for it. So, मैंने examples काफी दिए हैं। Then, जिस चीज के बारे में और जो क्षेत्र में हमको कार्य करना है, उस क्षेत्र का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। दूसरी स्टेप, उद्देश्य बहुत जरूरी है, किस चीज के लिए हमको ये कार्य करना है। और फिर संबंध क्या है, जो चीज पाना है उसके लिए जो साधन है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो साधन और साध्य, तो साधन का सही इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो साध्य तक पहुंचना एकदम सहज हो जाता है। जैसे जैसे हमने कहा, अगर बंबई जाना है और आप अगर फ्लाइट में बैठ के दैट गोज टू मुंबई, तो जैसे आप
बैठ गए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, द फ्लाइट टेक्स यू ज़ी एंड फ्लाइट लैंड्स एग्जैक्टली द मुंबई एयरपोर्ट। देखिए जी, आपने क्या किया, आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने साधन चूज किया और बस आपका उद्देश्य सफल हुआ। यस, तो यही तरीके से हम अपना उद्देश्य सफल करने वाले हैं धीरे धीरे, क्योंकि समय का भी हमारे पास थोड़ा कंस्ट्रेंट है, इसलिए हमको ये छोटे छोटे हिस्से में उसको समझना पड़ता है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो फर्स्ट वी हैव डन द रिकैप ऑफ आर फर्स्ट सेशन, देन हमने समझने का प्रयत्न किया कि ये मुक्ति क्या चीज है। तो बहुत सिंपल और सहज तरीके से हमने समझा कि हमारे लिमिटेड आनंद को हमको परिपूर्ण आनंद का अनुभव करना है, बस यही, इसी को कहते हैं मुक्ति, कि जो परिपूर्ण हो जाए, जो परिपूर्णता एक्सपीरियंस करे, बस उसी का नाम है कंप्लीट फ्रीडम, उसी का नाम है पूरी तरह से स्वतंत्रता, मुक्ति। और ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपने विचारों से ही अपने से दूर रखा है, और हमने सही विचार किया तो ये सही तरीके से हमारे पास आ जाएगी, हो गया। फिर हमने देखा कि देखो, हर चीज को पाने के लिए एक तरीका होता है, और शास्त्र अनुबंध चतुष्टय के इस सुंदर तरीके से हमको वो पाने का जरिया बताता है। तो वो क्या है, विषय, फर्स्ट अधिकारी यानी क्वालिफिकेशन, दूसरा है विषय यानी किस क्षेत्र में आपको जिस चीज को पाना है, वो क्षेत्र क्या है, वो विषय सब्जेक्ट क्या है, प्रयोजनम उसका हेतु क्या है, और संबंध यानी आप उसको कैसे पा सकते हैं, किस संबंध से पा सकते हैं। तो ये जिसके पास जानकारी हो गई तो वो इस दुनिया में कुछ भी पा सकता है, कुछ भी पा सकता है, पर याद जरूर रहिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत जरूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। और इस परिपूर्ण एक्सपीरियंस को पाने के लिए तत्व बोध का पाना बहुत जरूरी है, मानेंगे ना। यस, थैंक यू फॉर इट, एंड लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम विथ अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ आर प्रयोजन, कि हमारे उद्देश्य की तरफ हमारा अगला कदम क्या होगा, ये हम आपको अगले हमारे सेशन में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और ऐसे ही सहज और सिंपल तरीके से धीरे धीरे कब हम उस उद्देश्य को पा लेंगे पता भी नहीं चलेगा, बस आप इस फ्लाइट में बैठे रहो और एक दिन हम पहुंच जाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आपसे एक विनती भी है, अगर आपको ये लगता है कि ये जो चीज हम समझ रहे हैं, हम जिसको प्रयत्न से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस तत्व बोध को, ये इंटरेस्टिंग है और ये जरूरी है जीवन में, तो आप अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधी को भी इस लिंक को भेजिए और थोड़ा आग्रह करिए कि बोला इसको जान लीजिए कि कैसे
चार स्टेप से कोई भी चीज को पा सकते हैं, तो उनका भी भला होगा और आपको भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम जय श्री कृष्ण।